मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। दानिश, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप कंगले हैं? महविश, तुम्हें बकवास की तो थी कि मेरे पास तुम हो। बस दानिश, मुझे लगता है अब हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं जा रही हूं। पर महविश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मगर मैं तो रह सकती हूं ना, और रहना चाहती हूं। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं है। हेलो शेवार साहब, आप ले जा सकते हैं महविश को, मैंने उसे आजाद कर दिया। चाय में चम्मच कितने लेंगे आप? मुझे डायबिटीज है, सिर्फ एक चम्मच। अभी से? लीजिए चाय। क्या ये चाय महविश ने बनाई है? नहीं, ये चाय मैंने बनाई है, पी लीजिए, कुछ नहीं मिलाया मैंने इसमें। नहीं नहीं दानिश भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, महविश का सामान पैक कर दिया मैंने, ले जा सकते हैं आप। बड़े बगैर शोर दानिश साहब आप। जी शुक्रिया। So beautiful. आप खानदानी ऐसे हैं या अब जाके बदले हैं? सॉरी, मैं समझा नहीं। नहीं कुछ नहीं। देखिए बात ऐसी है कि जब भी हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उसे ना रोको, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। मुझे लगता है शिवार साहब अब आपको जाना चाहिए, बहुत करवा लिया आपने। हाँ एक बात, देखने सुनने में आप मुझे बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 600 रुपए दे रहे थे। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। चले महविश। महविश, लगता मेरा बाइक पंचर है। महविश, तुम तो दाने से भी बड़े कंगले निकले। रन। दानिश, 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 दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। दानिश, दानिश, दानिश साहब आप यहाँ नहीं रहते, उनको गए हुए कई दिन हो गए हैं। पर उनका साइकिल, अब वो बड़े आदमी बन गया, साइकिल यहाँ छोड़ गया है। यही हमने सीखा है जुर्म वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाएगा।
दानिश। आप कौन? मैं महवेश हूँ दानिश। कौन महवेश? Go.